एक ऐसा कॉलेज जहां बीटेक का एवरेज प्लेसमेंट 30 लाख है, बिट्स पिलानी द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, जिसे टॉप 5 IITs के साथ कंपेयर किया जाता है। यहां अटेंडेंस पॉलिसी 0 है, मतलब फुल फ्रीडम। ये कॉलेज कई ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है जो शायद ही तुमको दूसरे प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिले। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है इस कॉलेज को बाकी टॉप कॉलेजेस से ज्यादा प्रेफरेंस देने चाहिए या नहीं, बिकॉज यार ये कॉलेज तुमसे 25 से 30 लाख रुपया ले रहा है, क्या वर्थ इट रहेगा? क्या प्रॉब्लम्स है बिट्स पिलानी में, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। बिट्स पिलानी को फाउंड किया गया था 1964 में जीडी बिरला के द्वारा, जो एक इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे और साथ में इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्ट लिया था इन्होंने। ये बहुत करीबी थे दादाजी के। यस, ये यही बिरला है जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए और साथ में बड़े इंस्टीट्यूशंस। बिट्स पिलानी के पास यार मैसिव कैंपस है 328 एकर्स का, जो अमेजिंग है। NIRF रैंकिंग इनको मिला है 25th इंजीनियरिंग के लिए एंड ओवरऑल मिला है 20th। इनके पास पिलानी के अलावा और 4 कैंपसेस हैं, गोवा, हैदराबाद, दुबई और बिट्स मुंबई। मुंबई वाले कैंपस ज्यादा लॉ के लिए फेमस है एंड सारे कैंपसेस एक जाल के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब रियल नेट नहीं, नेटवर्क के थ्रू। इंजीनियरिंग का फीस यहाँ पे 5 लाख प्लस पर ईयर पड़ जाएगा एंड हॉस्टल फीस 96,000 पर ईयर है डबल बेडेड रूम के लिए। यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप है जैसे मेरिट स्कॉलरशिप, मेरिट कम एंड नीड स्कॉलरशिप, ISA स्कीम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट स्कॉलरशिप। सबसे पहले यार तुम्हारे पास 75% होने चाहिए PCM में, और हाँ यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, बस उसके लिए तुमको बहुत बड़े लेवल का पढ़ा हुआ होना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है उन स्टूडेंट्स को जो सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड के टॉपर्स हैं। क्या तुम हो टॉपर? एंड यार नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बिट सेट तुमको देना पड़ेगा, इनका ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड बिट सेट के स्कोर के बेसिस पे तुमको यहाँ पे ब्रांच मिलेगा। ओ एडिटर कट ऑफ दिखा, देख लिया भाई? और हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है टॉप कॉलेज से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड, तुम मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। 2023 में बिट्स पिलानी कैंपस में 100 से ज्यादा टॉप कंपनीज यहाँ विजिट किया था। उसमें से जो टॉप नॉच कंपनीज है उसका नाम बताता हूँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, वीसा, एडोवे, सिस्को। 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट 60.75 LPA लगा था, एवरेज प्लेसमेंट 30.37 LPA लगा था, मेडियन सैलरी 30 LPA था एंड कोर ब्रांचेस में यार प्लेसमेंट ओके टाइप था एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी प्लेसमेंट्स के लिए बैठ सकते हैं। अगर तुम कोर ब्रांच से हो लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में इंटरव्यू देना चाहते हो देन दे सकते हो। एंड यार 2022 के कंपैरिजन में हाईएस्ट प्लेसमेंट में डिक्लाइन आया है 1.3 करोड़ से 60 लाख एंड एवरेज प्लेसमेंट में इंक्रीज हुआ है, जो एक अच्छी बात है, 29 लाख टू 30.37 LPA। और एक पॉइंट बताता हूँ, किस टॉप कंपनी में बिट्स पिलानी का एलुमनाइज है कितने? विप्रो में 5,182, अमेजन में 2,000 प्लस, TCS में 1,900 प्लस, कॉग्निजेंट में 1,700 प्लस, माइक्रोसॉफ्ट में 1,400 प्लस, गूगल में 1,000 प्लस। सो यहाँ तुमको अमेजिंग लेवल पे एलुमनाइज मिलेंगे। All the faculties are extremely qualified here. 80% के पास PhD है. Research culture is really great here. And सबसे important, classes are recorded. So अपने hostel room में बैठ के तुम इन classes को complete कर सकते हो. Just wow. बिट्स पिलानी में 11 हॉस्टल बॉयज के लिए है और एक हॉस्टल गर्ल्स के लिए है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो काफी कम है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो गर्ल्स का हॉस्टल है बहुत बड़ा मैसिव है, एक हॉस्टल 4 से 5 बॉयज हॉस्टल के बराबर है, तो काफी बड़ा हॉस्टल है इनका एक। यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डबल बेडेड रूम मिलेगा एंड सेकेंड ईयर में तुम चूज कर सकते हो रूम पार्टनर, और थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मोस्टली स्टूडेंट्स सिंगल रूम चूज करते हैं। और कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बैन था, बट अभी लिफ्ट कर लिया गया है बैन को, बट ऐसा हुआ था। एंड यार नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन रोम अराउंड द कैंपस अराउंड 2 से 3 बजे तक, जो मतलब बढ़िया है, फ्रीडम ही फ्रीडम। सबसे फर्स्ट बेस्ट पॉइंट है बिट्स पिलानी का, यहाँ पे अटेंडेंस रूल नहीं है, मीनिंग तुम अपना टाइम टेबल खुद से बना सकते हो। सपोज अगर तुम मॉर्निंग में लेट से जगते हो देन यू कैन मॉडिफाई योर टाइम टेबल अपनी मर्जी से, कंप्लीट फ्रीडम। एंड प्लेसमेंट यार क्या ही कहने, यहाँ तुमको ग्रेट पैकेजेस, वेरी गुड क्वालिटी प्रोफाइल जॉब्स लगने ही लगने हैं इफ यू वर्क हार्ड। बिट्स पिलानी लिटरली हाई एंड एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इनका स्ट्रांग फोकस रहता है रिसर्च और इनोवेशन में, और ये स्टूडेंट्स को इनकरेज भी करते हैं
रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। बाकी यार बिट्स पिलानी किस लेवल का ब्रांड है ये सबको पता है, टॉप नॉच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का, IITs के साथ कंपेयर किया जाता है, कितने सारे ही NITs से वे वे बेटर है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट है, एंड ओवरऑल एक्सपोजर तुमको अलग ही लेवल का यहाँ पे मिलेगा, सबसे बेस्ट। एंड ऑब्वियसली यार नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी अमेजिंग लेवल का है, क्योंकि यहाँ के सीनियर्स बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट यार, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई फीस है, मतलब गरीबों के लिए ये कॉलेज नहीं है। और हाँ यार, यहाँ पे फाइंस भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं अगर फूकते हुए पकड़े गए। सो अगर नशा से दूर रहोगे तो फाइन से भी दूर रहोगे। एंड अगर तुमको हाई सिटी लाइफ पसंद है तो तुमको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि पिलानी एक छोटा सा सिटी है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। भले ही ये इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है, बट यार गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होता है। फ्रीडम है इंस्टीट्यूट में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एकेडमिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई है, पढ़ना तुमको पड़ेगा। एंड इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे, क्योंकि यार मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं सारे पढ़ाकू होते हैं, मतलब एक पढ़ाकू दूसरे पढ़ाकू के साथ कम्पीट करेगा, सो कम्पिटिशन तो हाई होना ही है। और लास्ट कौन से यहाँ का अटेंडेंस पॉलिसी को लेकर, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है, मतलब क्लास अटेंड नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो डिसिप्लिन्ड नहीं है। कुछ टॉप एलुमनाइज का नाम बताता हूँ, अनंत महेश्वरी प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अनिल गोयल CTO ओयो रूम्स, ये वही ओयो रूम्स है जो बहुत ज्यादा फेमस है, समझ रहे हो आप। अमिताभ चौधरी CEO ऑफ एक्सिस बैंक, और भी कई सारे फेमस एलुमनाइज हैं यहाँ के। बस तुमको क्या करना है, गूगल बाबा के पास या फिर ChatGPT चाचा के पास जाके पूछो, सब मिल जाएगा। यहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है स्पोर्ट्स क्लब के थ्रू। एंड यस यार, यहाँ पे तुमको इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, अलग ही लेवल का स्पोर्ट फैसिलिटीज है, टॉप नॉच। जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहोगे वो लगभग यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मार्शल आर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग। सो इफ यू आर ए स्पोर्टी, यू विल लव इट हियर। तुमको यहाँ बहुत सारे सोसाइटीज और क्लब्स मिल जाएंगे, जैसे टेक्निकल क्लब्स, प्रोफेशनल क्लब्स, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी क्लब्स और कई सारे NGOs। बिट्स पिलानी का कई सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और USA। एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू तुम बिट्स पिलानी में बीटेक करने के बाद मास्टर्स करने MIT जा सकते हो। MIT पुणे वाला नहीं, MIT USA वाला, जहाँ पीटर पार्कर जाने वाला था, यस अपना स्पाइडरमैन। मीनवाइल एंड यार, इनका कई सारे इंडस्ट्रियल टाइप्स है जो टॉप कंपनीज के साथ है। यहाँ तुमको रेंज ऑफ बीटेक स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ का नाम बताता हूँ, CS ME, केमिकल इंजीनियरिंग, PCE, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं बताता हूँ मेरा फाइनल ओपिनियन बिट्स पिलानी के बारे में। मेरा फाइनल ओपिनियन जानने से पहले, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है किसी टॉप कॉलेज को लेकर या मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड, तो मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यार, अगर तुमको बिट्स में पढ़ना है तो मैं बाकी कैंपसेस सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ बिट्स पिलानी करूंगा, क्योंकि यही रियल चौमेश्वरी है। यहाँ तुमको हाईली एम्बिशियस और टैलेंटेड स्टूडेंट्स का क्राउड मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए, मतलब तुम्हारा भी साथ में ग्रोथ होगा अलग लेवल का। सो तुम एक एलिट ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद। फैकल्टीज और प्लेसमेंट्स क्या ही कहने हैं, अलग ही लेवल का मिलेगा, मतलब टॉप नॉच। बट आउटसाइड कैंपस लाइफ वर्स्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया सिटी बहुत छोटा है पिलानी, तो यहाँ पे तुमको मॉल है ना, बाकी सारी चीजें उस लेवल का नहीं मिलेगा। एंड जो फ्रीडम बिट्स पिलानी देती है कैंपस के अंदर में स्टूडेंट्स को, इससे देखा गया है कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैप्पी ही रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं आएगी। सो यही बोलूँगा यार, अगर तुम्हारे पास बजट है एंड 75% PCM में है, तो डेफिनेटली तुमको इसे कंसिडर करना चाहिए। एंड अगर तुम्हारे पास कोई भी सजेशंस है तो कमेंट करो, चाहो करो, कम ऑन करो कमेंट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, एंड दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।